आज मेरी मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैंने टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। अच्छा, रोज ये पढ़ाई वढ़ाई जामे वामे कैसे कर लेता है? मुझे देख अपनी मर्जी से बिंदास। 50 पैसे में 3। सुना तूने? 50 पैसे में 3, यानी 1 पैसे में 4 लॉलीपॉप। वाह, मजा आ गया। लेकिन मेरे पास तो सारे पैसे खत्म हो गए, सारे चूड़ियाँ आइसक्रीम उसमें खत्म। 5 पैसे होंगे? नहीं, 1 भी नहीं। अरे उधार दे दे, 1 पैसे ज्यादा लगा लूंगा। था उसने क्या रखा है? रिक्शे के तो होंगे। मगर मैं अपने रिक्शे के पैसे लॉलीपॉप खरीदने में ले लूँ, ये तो चीटिंग होगी। अरे तो तू हर चुनौती का परचादा निकला, माता पैसे देने लगा से। ठीक है ठीक है, मैं दे। हाँ, मैंने आज फीस दे दी, उसके पैसे भी तो होंगे। उस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि वो आदमी मेरे से लॉलीपॉप चुरा के लाया है या तो नुकसान के सामान खराब उठा। तू तो अभी मेरा बैग पकड़, या तो मैं चलती हूँ, वो लॉलीपॉप वाला जाने वाला है ना, और मेरे रिश्ते के पैसे तो तेरे सारे से दूंगी। अरे यार, तो कभी अकेले ही नहीं आएगी, सारी सड़ी गली चीजें खाएगा और वार्षिक। अरे अजय, तू तो काम पर जैसे तू रिश्ते लगा रहा था, यहाँ क्या कर रहा है? देर तो मुझे भी हो रही है, लेकिन ये नरेंद्र कब का लॉलीपॉप लेने गया था अभी तक आया ही नहीं। उसको तो मेरे रिक्शे में ही जाना है, इसे मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। उसे तो मैंने काफी देर पहले इसे मैं जाते हुए देखा, मैंने पूछा भी था, उसने बोला उसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, वही लेने जा रहा है। अरे तो घर जा, नरेंद्र तो जाता नहीं, उसके पेड़ में पड़ा तो उनके भी सामान है। आना है तो आता मेरे साथ, मुझे तेरे घर छोड़ दो। नहीं, ये चीज नहीं है, क्या पता अगर वो लॉलीपॉप वाला कोई बदमाश नहीं। तुम लोग जरा आओ ना, देखा जाए कहीं नरेंद्र। वैसे ही देर हो गई है, मेरी मम्मी मानने वाले नहीं। अपन जो चले नरेंद्र का तो नरेंद्र जाने, जैसे पड़ेगा वैसे भरेगा, हम अपने जन क्यों खतरे में डाले। बाय। आखिर वो नरेंद्र गया कहाँ? नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, मैं पूछने आई थी क्या अजय आपके घर आ गया, मैं नरेंद्र अभी तक नहीं आया। आया तो अजय ही है, तो उसे सलाना जैसे की पड़ी थी, देर हो गई। आज मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी है, सुबह अजय के घर गया था कि टीचर से छुट्टी मांगूंगा, शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र इसके साथ रुक गया हो। नहीं, नरेंद्र की वो शरारती है ना, इसमें डर लगता है। एक बजे छुट्टी रहती है, अभी 2:30 बज चुके हैं। क्या सचमुच? मुझे तो दवा खाकर नहीं आ गई है, और समय का पता नहीं चला, इतना देर तो असर को भी नहीं होना चाहिए। कुछ कीजिए। हाय मेरा नरेंद्र। रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी है, लेकिन अजय पर मेरा पूरा विश्वास है। देखिए रिक्शा लेकर चलते हैं। आप आइए, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। आगे आगे बहन बच्चे। सच? अरे हाँ, क्या मिसेस मैडम वगैरह देखी है? जी जी हाँ, चलिए। ये बच्चे आपको कहाँ से मिली? क्या ये बच्चा आपका है? जी हाँ, अजय ही इसका नाम। क्या किया इसने? आपने बहुत तलाश का काम किया, जिसमें ज़्यादा से क्यों होते? क्या नहीं, क्यों इसको नाराज कर रही थी कि समय से घर अजय ने आज हमने जो क्या नाम था उसका नरेंद्र, नरेंद्र की जान बचाई और एक बड़ी गिरोह की सजा को भी पकड़ पा गया। ओह, वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? अभी तो आप अजय से सुनिए, बता दोगे थे मम्मी? आज मेरी ठीक, आज आपकी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैंने टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, और जब मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे नरेंद्र मिला, लेकिन तभी एक आदमी फाटक पर लॉलीपॉप बेच रहा था, वो बहुत सस्ते में बेच रहा है, इसलिए नरेंद्र सस्ते लॉलीपॉप देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया और वो लॉलीपॉप खरीदने चला गया। फिर के लिए रुका, लेकिन वो बहुत देर तक आया ही नहीं। अचानक मुझे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, तो वो दिखा कि नरेंद्र का बैग उधर पड़ा मिला था। मैं हैरान था। फिर तुमने क्या कर रहे थे? उस आदमी के पीछे
नीचे गया और थोड़ी दूर सड़क पे ही मुझे एक पुलिस वाले की लाल पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। मुझे मैं तभी समझ गया कि वो छोड़कर एक पगडंडी की ओर मुड़ गया। तभी मेरा सब यकीन में बदल गया, इसलिए मैं सीधे इंस्पेक्टर साहब के पास गया और जो सारी घटना घटी मैं उसको उनको बता दिया। वाह वाह, सुना आपने मिसेस मेहता। अजय, अगर आज तुम ही होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता? तो फिर दोस्ती का क्या मतलब, मेरे दोस्त दोस्त के काम ना आए। नहीं, आज मैं अजय को बाजार ले जाऊंगी और उसके पसंदीदा एक शानदार इनाम दूंगी। शानदार इनाम तो प्रधानमंत्री से मिलेगा अजय को। क्या? जी हाँ, हमारे देश में बहादुर बच्चों को हर साल उनके साहसिक कार्यों के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार अजय का इनाम उनमें होगा। अच्छा तो आज्ञा दीजिए, आओ मेरा अजय एक बार फिर पीठ ठोकू तुम्हारी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपने जो पहले ठोकी थी मेरे पीठ में वो अभी तक दर्द है।